forward. They won't do anything for you if you don't have a plan. So thank you very much. There you go. See, that's how unity, that's how the brainstorming comes out, where there's so many good ideas come. Yeah. Thank you, I really shaped the idea. Definitely, we will move on. Okay. बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई आपका इंतजार करने का पैनल में बहुत सबसे पहले तो मैं आमिर भाई आपका शुक्रिया अदा करूँ आपको मैं ऑब्जर्व कर रहा था आप बैठ करके सारी की सारी डिबेट जो है वो बड़े सुकून से सुन रहे थे और उन सारी डिबेट के दौरान मैं आपसे सिर्फ सिंपल एक सवाल पूछना चाहूँगा जिसका कि आप एड्रेस करें यू नो द इश्यूज यू डिस्कस विद अस मोस्ट ऑफ द टाइम कौन सा ऐसा सवाल था जो आप पूछना चाह रहे थे और उसकी वजह क्या थी सबसे पहले तो मंदिर साहब का शुक्रिया अदा करूँ उन्होंने सारा कुछ अरेंज किया और साथ में CMMC जिन्होंने कोशिश करी और इस प्लेटफॉर्म को पाए तकमील पे कोशिश मुकम्मल करने की कोशिश करी और मैं बहुत खुश हूँ इसी तरह प्रोग्राम होने चाहिए और इसमें हमारा ख्याल एक दूसरे से मतलब ये कि वाजे हो जाते हैं कि कौन क्या सोच रहा है क्या है इशूज़ हो रहे हैं इस तरह काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल जाती है सवाल तो यही था कि जिस तरह रियल स्टेट जा रही है रियल स्टेट आजकल इतनी एक्सपेंस हो गई है कि मुझे तो ये ख़तरा पड़ गया है कि आने वाली नस्लों को हम किस तरह उनके लिए घर बना सकें स्पेशली जिस तरह इकानमी जा रही है जिस तरह महंगाई बढ़ रही है तो उस चीज़ को सामने रख के मेरे ख्याल में इस इशू को किसी ने डिस्कस नहीं करा कि स्पेशली पेंडेमिक की वजह से हमारे इकानमी को काफ़ी असर पड़ा हुआ है कई लोगों के जॉब चले गए हैं गवर्नमेंट ठीक है उन्होंने हेल्प करी है मगर वेरी लिमिटेड लेवल पे तो मेरे हिसाब से अब मेरा क्वेश्चन यही था कि यार ये रियल इस्टेट का इशू कैसे ख़त्म किया जाए शौकत साहब ने कह दिया है कि ये जो ओपन मार्केट है उसकी वजह से जो इसको इस इशू को तो हम साफ कर ही नहीं सकते ओके व्हाट अबाउट द गवर्नमेंट लेवल दिस इज मतलब ये कि ये बजात खुद एक अलग मुल्क है कैनेडा इसके भी अपने एक रूल्स रेगुलेशन है भाई बाहर से कोई चीज़ आती है अंदर से आती है ठीक है इकानमी को बेहतर बनाने के लिए करना चाहिए ये चीज़ों को أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد